हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइम तक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर किसे कहते हैं? टेम्परेचर उसे कहते हैं जैसे कोई भी चीज़ कितना गर्म है, कितना ठंडा है, वही हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस इज क्वान्टिटिवली एक्सप्रेशन टर्म ऑफ वॉट इज नोन एज टेम्परेचर। कोई भी चीज़ कितना गर्म है या कितना ठंडा है, वही हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेचर। वन यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, एक यूनिट क्या होती है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर में, वन केल्विन इज इक्वल टू, वन केल्विन किसके बराबर होती है, 1.273.16 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। द थर्मोडाइनमिक स्केल ऑन विच टेम्परेचर इज मेजर्ड एज इट्स जीरो, एज एब्सोल्यूट जीरो। जब हम थर्मोडाइनमिक्स से मेजर करते हैं टेम्परेचर को, यदि वो ज़ीरो पर है तो वो क्या है, उसका टेम्परेचर कितना है, ज़ीरो है, वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है। एंड हैज इट्स लोअर फिक्स पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू 273.16 केल्विन एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और क्या होता है, उसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 273.16 केल्विन। ये क्या कहलाता है, ट्रिपल, किस पे कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पर, एंड प्रेशर, किसी एक सर्टेन प्रेशर पर, मान लीजिए 2 केल्विन टेम्परेचर है और 2 प्रेशर है, विच कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, ये अपने आप से एग्जिस्ट करेंगे एंड इन परफेक्ट इक्विलिब्रियम। और ये बाद में क्या होंगे, परफेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे, इन अ सॉलिड, किसके, किस में, सॉलिड में, लिक्विड में, एंड गैसियस वाटर वेपर स्टेट्स में। दिस इक्विलिब्रियम फॉर्म इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये जब इक्विलिब्रियम, ये जो जब वाटर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बराबर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म, वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज टिपिकली कैरिड बाई मूविंग इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर सच अ वायर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, वायर के थ्रू क्या होती है, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्लो करते हैं, उसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, किसमें, वायर्स में। ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट के ऐसा यूनिट क्या होती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसको मेज़र करने के लिए उसको मेज़र करते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। एम्पियर डिफाइन करता है एज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट का मैग्नीट्यूड, दैट व्हेन फ्लोइंग थ्रू, जो कि टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स, जो कि फ्लो करती है इलेक्ट्रिक करंट किसमें, वायर में फ्लो करती है, किसमें, इनफाइनाइटली, मतलब बहुत ही लंबा वायर है, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, सेपरेटेड बाई 1 मीटर इज फ्री स्पेस, अलग है किसके, फ्री स्पेस से 1 मीटर। रिजल्ट इन अ फोर्स ऑफ 2×10⁻⁷ न्यूटन मीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 वायर्स। 2 वायर्स का रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 2×10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 2×10⁻⁷ न्यूटन फोर्स लग रहा है उन 2 वायर्स में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट इज़ अ मेजर ऑफ द वेवलेंथ, वेट, पावर
एमिटेड बाय अ लाइट सोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट सॉलिड एंगल बेस्ड ऑन द ल्यूमिनिस्टी फंक्शन अ स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन आई। ल्यूमन इंटेंसिटी क्या होता है? लाइट सोर्स के द्वारा पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्या होता है, एमिट होता है पर यूनिट सॉलिड एंगल। और ये किस पे बेस करती है? ल्यूमिनिस्टी फंक्शन पर। इसका जो स्टैंडर्ड मॉडल होता है वो सेंसिटिविटी ऑफ द आई। द एसआई यूनिट इज कैंडेला। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? कैंडेला। कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया। कैंडेला क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी है किसी भी ब्लैक बॉडी ऑफ अ सरफेस एरिया। उसका सरफेस एरिया कितना है? 1/10,000,000, 60 lakh मीटर स्क्वायर प्लेस्ड एट द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनियम एंड एट एज अ प्रेशर ऑफ प्रेशर कितने प्रेशर पर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। अपने सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? प्रेशर लग रहा है। कितना प्रेशर लग रहा है ये आपको दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द एसआई यूनिट इज मोल। अमाउंट ऑफ यूनिट सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मोल होती है। वन मोल इज डिफाइंड। एक मोल डिफाइन करता है एज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस क्या है? विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री यूनिट्स। वन मोल एक मोल डिफाइन करता है एज द अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस कितने अमाउंट में है, कितनी मात्रा में है। विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री यूनिट्स जो कि क्या करती है? कई सारे एलिमेंट्री यूनिट्स को कंटेन करती हैं, प्राप्त करती हैं। एज देयर आर एटम इज एग्जैक्टली जो एटम है यहाँ पे वो 0.012 किलोग्राम ऑफ C12 कार्बन 12 जो है वो क्या है, उसका वेट कितना है? 0.012 किलोग्राम। एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज फाउंड टू बी एक्सपेरिमेंटली इस नंबर को हम क्या कैसे फाउंड कितना फाउंड करते हैं, कितना प्राप्त करते हैं? टू बी 6.03×10³। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। यही नंबर हमारा क्या कहलाता है? एवोगाड्रो नंबर 6.023×10²³। ये हमारे एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है। यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।